त्राहिमा मेरे भाइयों और उनकी फीमेल वर्जन हो, स्वागत है तुम सब एक और एक नए वीडियो में। कल ये वीडियो का टॉपिक कुछ हटकर है। पीजीसी ने वापस से मुझे चैलेंज किया है, या ऑफ कोर्स फ्रेंडली चैलेंज। बेसिकली इस चैलेंज में होगा क्या, पीजीसी और मैं रोज़ तीन दिन लगातार एक मैच खेलेंगे और उसको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो उसमें से दो मैच जीता वो या जीत जाएगा। ना कॉम्पिटिशन ही, टूर्नामेंट तो हो गया। यू नो रिवेंज टाइम, अ फ्रेंडली रिवेंज टाइम। सो या उसको या देखते हैं अब क्या होता है। तो आज हम जो राउंड करेंगे वो राउंड फर्स्ट होगा और कल परसों सेकंड और थर्ड होगा। तो या सारे बैटल हम ट्राई करेंगे कि उनको ज़्यादा इंटेंस बनाएं। सो उसका चैनल जाके भी चेकआउट करो, वो भी पोस्ट करेगा, रोज़ करेगा। सो या तीन दिन लगातार, द थ्री डेज ऑफ फन, हम शोडाउन में बैटल करेंगे, वो भी रैंडम। आई नो कि मैंने तुम लोग को बहुत ज़्यादा पका दिया है। अब चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला पोकेमॉन रैंडमली आया था वो था गार्डिवॉर, और पीजीसी का आया था एग्रॉन। तो एग्रॉन एक स्टील टाइप भी है, तो मैं गोल्डक में चेंज कर देता हूँ और वो मुझे मरता हैवी स्लैम, बट लेफ्ट ओवर के तहत आया, क्या बोल गया मैं, बट वो इंटीलियन में चेंज कर देता और मैं कॉम्बाइन मारता हूँ, और उसके बाद वो भाई क्या ही एयर स्लैश मारता है, क्रिटिकल भाई पूछो मत। उसके बाद मैं एक सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और उसके बाद वो एयर स्लैश मारता है जो कि डैमेज करता है, बट फीड नहीं होता मेरा सब्स्टिट्यूट। तो मैं उसको एक साइक शॉक मारता हूँ और उसके बाद लेफ्ट ओवर से थोड़ी हील कर लेता हूँ, बट उसके बाद वो अपने इंटीलियन को डायनामिक्स कर लेता और मुझे एक मैक्स एयर स्ट्रीम मारता है जो कि भाई मेरे सब्स्टिट्यूट को फेड कर देता है। उसके बाद मैं उसको साइक शॉक मारता हूँ जो कि ठीक ठाक डैमेज दे देता है, बट उसके बाद मैं मेल मेटल में चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि वो मैक्स एयर स्ट्रीम मारने वाला है, बट वो कुछ और ही मार देता और मेरी हेल्थ ना के बराबर। उसके बाद मैं गोल्डक में चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि वो हाइड्रो स्नाइप मारने वाला है, वो भी जी मैक्स वाला। तो मैं यहाँ चेंज करके वापस से चेंज कर देता हूँ आफ्टर गेटिंग टू पोकेमॉन पेंटेड। यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी तगड़ी थी, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई यही बंदा जीतेगा, बट या लेट्स सी। तो भाई वो मेरा गाड़ी वॉर को आइस बीम मार के लिटरली फ्रोजन कर देता और आफ्टर फ्यू मूव्स वो मेरी गाड़ी वॉर को भाई पूरा ही फेंट कर देता है। और यहाँ पे मेरे तीन पोकेमॉन फेंट हो चुके थे और उसका एक भी नहीं हुआ था, भले ही उसके दो पोकेमॉन रिवील हो गए हों, बट मैं सरफेस को लाता हूँ और फर्स्ट इंप्रेशन मार के उसको कर देता हूँ फेंट। बट उसके बाद वो क्रोगन भेजता और मैं भेजता हूँ एरोडैक्टाइल को, वो मुझे एक ब्रेव बर्ड मारता है, रिकॉल थोड़ी उसकी भी हेल्थ जाती है, और उसके बाद वो वापस से टॉक्सिक मारता है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी। उसके बाद मैं हॉर्नक्लो यूज़ करता हूँ, अपनी एक्यूरेसी और अटैक बढ़ा देता हूँ, और उसके बाद जैसे मैं कोई मूव मारता वो एग्रॉन में चेंज कर देता हूँ, और उसके बाद मैं स्टोनेज मारता हूँ, उसका बलून हो जाता है फेडेड। ओके, तो उसके बाद मैं अर्थक्वेक मारता हूँ, उसके एग्रॉन को भी कर देता हूँ फिंट जो कि उसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन था पूरी टीम का। बट उसके बाद वो शक्ल आता है, मैं डुअल विंग बीट मारता हूँ और उसके बाद वो स्टेल्थ रॉक यूज़ करता है और मेरी टॉक्सिक से हेल्थ जारी रहती है। तो उसके बाद मैं अर्थक्वेक मारता हूँ, आई डोंट थिंक कि यार मुझे अर्थक्वेक मारना चाहिए था, बट उसके बाद वो स्टिकी वेब मारता है और मेरे एरोडैक्टाइल कर देता है फिंट। और यहाँ पर सिचुएशन 2v4 की थी। उसके बाद मैं आर्कनाइन भेजता हूँ और उसको फ्लेयर ब्लिट्स मारता हूँ, बट उसके बाद वो मुझे टॉक्सिक मार देता है और मैं उसको और एक फ्लेयर ब्लिट्स मार के कर देता हूँ ख़त्म। अब यहाँ पे वापस से सिचुएशन 2v3 की हो चुकी थी। यहाँ पे मेरा आर्कनाइन भी टॉक्सिक हो गया था जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हर एक मूव के बाद। उसके बाद वो क्रोग पैड लाता है और रूस्ट मारता है, मैं उसको मैक्स फ्लेयर मारता हूँ जो कि उसको 60+ का डैमेज दे देता है, बट उसके बाद वो वापस चेंज कर देता हो ओ मैं उसको मैक्स फ्लेयर मारता हूँ जो कि 40+ का डैमेज देता है, जो कि काफ़ी ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। बट मैं उसको वापस से एक मैक्स स्ट्राइक मारता हूँ, उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो वापस से रूस्ट मारता है। ओ गॉड भाई इसके पास रूस्ट क्यों है। बट उसके बाद मैं अपने पोकेमॉन को ही चेंज कर देता हूँ क्योंकि उसके टॉक्सिक आर्कनाइन की जान ले लेता, बट स्टिकी वेब होने के कारण मेरा स्पीड कम हो जाता है और हो उसका फ़ायदा उठा के ब्रेव बर्ड मारता है और मेरे सरफेस को भी कर देता है ख़त्म। उसके बाद मेरा आर्कनाइन बचा था जो कि भाई बिल्कुल कम्पीट नहीं कर सकता था, बट समहाउ
हो मुझे एक ब्रेव बर्ड मारता है, थोड़ा रिकॉइल से डैमेज खाता है, बट मैं उसको एक्सट्रीम स्पीड मारता हूँ और वो वापस से रूस्ट मारता है। यहाँ पे मुझे पता चल गया था कि भाई अब मेरा खेलने कोई फ़ायदा नहीं है, मैं हारने वाला हूँ, और मैं उसको एक्सट्रीम स्पीड मारता हूँ, वो मुझे ब्रेव बर्ड मारता है, और टॉक्सिक होने के कारण भाई मैं हो जाता हूँ फेंट। बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये राउंड तो पीजीसी जीत गया, बट डोंट वरी यार, अभी दो और राउंड है, वो भी 2 दिन लगातार। सो या सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम वो राउंड्स देख पाओ, और नोटिफिकेशन तो भाई ज़रूर से ऑन कर देना। या और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आई एम वेटिंग फॉर यू।